दुनिया के कई देशों में छोटे बच्चों को कोरोना की वैक्सीन मिलने लगी है, लेकिन भारत में अभी तक ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सवाल तो लगातार किए जा रहे हैं, तीसरी लहर का खतरा भी बताया जा रहा है, लेकिन इस मामले में रणनीति स्पष्ट नहीं है। अब कोविड टास्क फोर्स के चीफ वीके पॉल ने भारत सरकार की रणनीति को लेकर विस्तार से बात की है। उन्होंने बताया है कि बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी, सरकार इस पर काम कर रही है। डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि हमें इस बात का एहसास है कि कई देशों में बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगने लगी है। हम भी कोई फैसला लेंगे, लेकिन सिर्फ रिसर्च और सप्लाई सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। वहीं अभी के लिए डॉक्टर वीके पॉल द्वारा कोई भी टाइमलाइन नहीं दी गई है। उनकी नजरों में जाइडस कैडिला की वैक्सीन को टीकाकरण में भी शामिल किया जा रहा है, ट्रेनिंग भी शुरू हो चुकी है, जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा। वैसे बच्चों की वैक्सीन पर तो कोई समय सीमा नहीं बताई गई है, लेकिन डॉक्टर वीके पॉल ने साफ कर दिया है कि कोरोना अभी भी हमारे बीच ही है, वो कहीं नहीं गया है। उनके मुताबिक अभी के लिए देश में कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन सावधानी नहीं छोड़ी जा सकती है। वे मानते हैं कि कई देशों में दो से ज्यादा लहर देखी गई है, ऐसे में कब मामले अचानक से बढ़ने लग जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। उन्होंने इस पर भी जोर दिया है कि अभी देश में कई त्योहार आने वाले हैं, ऐसे में फिर कोरोना वायरस तेजी से पैर पसार सकता है। डॉक्टर वी के पॉल ने इस बात पर भी खुशी जाहिर की है कि अब देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। वे मानते हैं कि अब सभी राज्यों को भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दी जा रही है, ऐसे में सभी को तेजी से टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया है कि साल के अंत तक देश के हर एडल्ट को कोविड का टीका दे दिया जाएगा।